हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज के लेक्चर में हम राजस्थान कला संस्कृति का एक टॉपिक देखेंगे। इसका नाम है राजस्थान की हस्तकला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अधिक होती है। तो सबसे पहले देखते हैं थेवा कला। थेवा कला आखिर होती क्या है? ठीक है, यह कांच में सोने की कारीगरी से आभूषण बनाए जाते हैं। कांच में सोने की कारीगरी से क्या बनाए जाते हैं? आभूषण। मुख्य केंद्र है प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ का है सोनी परिवार ही करता है इसको। ठीक है, महेश राज सोनी को पद्मश्री मिल चुका है। जस्टिन वकी ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन क्या आएगा? थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ की। ठीक है, और ये प्रतापगढ़ का सोनी परिवार ही है। ये अपनी बेटियों को भी ये चीज़ें नहीं सिखाते, ताकि ये दूसरे परिवार में जाकर ये चीज़ उनको बता ना सके। ठीक है, तो थेवा कला प्रतापगढ़, सोनी परिवार। ठीक है, अगला है टेराकोटा। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी को पकाकर उसकी मूर्तियों और खिलौने बनाए जाते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है इससे जो आता है कि टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है। यह है मोलेला और राजसमंद में। यहाँ के मोहनलाल कुमावत को पद्मश्री मिल चुका है। पद्मश्री किस चीज़ में? टेराकोटा में। और प्रसिद्ध कहाँ का है? मोलेला राजसमंद का। यहाँ पर देवताओं के घोड़े बनाए जाते हैं। ये वाला देखो इम्पोर्टेंट है, वर्षा के देवता का घोड़ा बनाया जाता है। कहाँ पे? हरजी, हरजी जगह है जालोर। ये प्रेशर क्वेश्चन आया हुआ, ये भी प्रेशर क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, बड़ोपल हनुमानगढ़, यहाँ से क्या मिला है? प्राचीन काल की टेराकोटा प्राप्त हुई है। बड़ोपल में पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? टेराकोटा कहाँ की प्रसिद्ध है? टेराकोटा प्रसिद्ध है आपके मोलेला राजसमंद की। ठीक है, देवता के घोड़े कहाँ बनाए जाते हैं? हरजी गांव है कहाँ? जालोर में। और बड़ोपल में क्या बनाया जा रहा है? बड़ोपल में बनाया जा रहा है पक्षी अभयारण्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ब्लू पोटरी। ब्लू पोटरी क्या होती है? चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर नीले रंग के चित्र बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र है इसका जयपुर, और इसके जो कलाकार हैं, नाम ध्यान रखना, कृपाल सिंह शेखावत, वो किसके कलाकार हैं? ब्लू पोटरी के। क्या मिल चुका है उनको? पद्मश्री। ब्लैक पोटरी, ब्लैक पोटरी प्रसिद्ध है कोटा की। देखिए डायग्राम से देखिए आप। ठीक है, ये ब्लू पोटरी हो गई आपकी। अगला है मीनाकारी। देखिए ये मीनाकारी। ठीक है, मीनाकारी क्या होती है? सोने के आभूषणों में रंग चढ़ाया जाता है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। इम्पोर्टेंट ये है कि राजा आमेर के राजा मानसिंह ने लाहौर से इसके कलाकारों को बुलवाया। किन्होंने? आमेर के राजा मानसिंह ने, जो अकबर के समय थे। और कुदरत सिंह को इसके लिए क्या मिला है? पद्मश्री। अगला देखिए, गलीचे या नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? गलीचे या नमदे, जयपुर और टोंक। इम्पोर्टेंट डालना टोंक। क्वेश्चन आएगा, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? टोंक के प्रसिद्ध हैं। बीकानेर व जयपुर की जेल में कैदियों द्वारा गलीचे बनाए जाते हैं। अगला है रंगाई और छपाई। देखिए ऊपर वाला डायग्राम है आपका अजरक प्रिंट का। क्वेश्चन आएगा सीधा सीधा, अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। नीले रंग का प्रयोग इस पर अधिक किया गया है, ज्यामितीय अलंकरण अधिक किया गया है, और तुर्की शैली का प्रयोग अधिक है। ठीक है, अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का। मलिर प्रिंट ये भी कहाँ का है? बाड़मेर का। इसमें काले और कत्थई रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। देखो ये रहा मलिर प्रिंट। जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ का। गाड़िया लोहार की महिलाओं के कपड़े इसी प्रिंट में बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला है सांगानेरी प्रिंट। काले व लाल रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। मुल्ला लाल गोयल ने इसे प्रसिद्ध किया। ठीक है, बगरू प्रिंट, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट है, बगरू जयपुर में जगह है। क्वेश्चन आएगा, बेल बूटों की छपाई किस प्रिंट पर की जाती है? बगरू प्रिंट पर की जाती है। ठीक है, आजम प्रिंट यह है आकोला चित्तौड़गढ़ का। चुनडी यह है जोधपुर की। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है इसमें अजरक प्रिंट कहाँ का है? बाड़मेर का। ज्यामितीय अलंकार का प्रयोग किया जाता है, इम्पोर्टेंट है ये वाला भी नहीं। ठीक है, मलिर प्रिंट है बाड़मेर का, जाजम प्रिंट है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, दरिया, दरिया प्रसिद्ध है आपके टांकला जगह है नागौर में, और लवान जगह है दौसा में। टांकला नागौर और लवान जगह है दौसा। ठीक है, मिरर वर्क ये प्रसिद्ध है जैसलमेर का। कहाँ का? जैसलमेर का।
पेच वर्क प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। गोटा किनारी ये प्रसिद्ध है खंडेला सीकर, जहाँ से यूरेनियम के भंडार मिले हैं। और गोटे के प्रकार होते हैं लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, ये सब किसके हैं? गोटे के प्रकार लप्पा लप्पी किरण बांकड़ी, ठीक है। तारकशी के गहने चांदी के पतले तारों से बनाए जाते हैं। मुख्य केंद्र है नाथद्वारा राजसमंद, ये वाले, ठीक है। अगला है कोटा डोरिया। कोटा डोरिया प्रसिद्ध है कैथून जगह है कोटा में, मांगलोर जगह है बारा में। जालिम सिंह झाला इसके कलाकार मसूर अहमद को हैदराबाद से लाए थे। कहाँ से? हैदराबाद से, इसलिए इसे मसूरिया कला भी कहा जाता है। कैथून में विभीषण का मंदिर है। कहाँ पे है? कैथून में। ये देखिए, ये है कोटा डोरिया। अन्य महत्वपूर्ण हस्तकलाएँ देखेंगे। चलो, खेल का सामान ये बनाया जाएगा हनुमानगढ़, खेती के औजार नागौर, कागजी बर्तन अलवर। कागजी बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? अलवर के। कोफ्तगिरी इम्पोर्टेंट ये वाला, कोफ्तगिरी है लोहे में सोने की कारीगरी। मुख्य केंद्र है जयपुर और अलवर। तहनीशा पीतल में सोने की कारीगरी, मुख्य केंद्र जयपुर और अलवर। संगमरमर की मूर्तियाँ जयपुर। अर्जुन लाल प्रजापत को इसके लिए क्या मिला है? पद्मश्री। मोजड़ी इम्पोर्टेंट है भीनवाल बड़गांव जालोर में। बीडी उद्योग टोंक नसवार ब्यावर अजमेर। देखिए हमने आज के चैप्टर में क्या करा, राजस्थान की हस्तकलाएं देखी, ठीक है। एक और है उस्ता कला। उस्ता कला प्रसिद्ध है आपके बीकानेर की, ऊंट पर जो कारीगरी करते हैं ना उसे बोलते हैं उस्ता कला, ठीक है। आगे के लेक्चर के लिए चैनल से जुड़े रहिए।